कैसे हो? वेलकम बैक टू री टॉक। मैं हूं तुम्हारा होस्ट एंड दोस्त री। और हम बोले थे वकील साहब, अपू डंके की चोट पे बोला था कि तूफान आएगा और तूफान आ गया। तो यार, विक्रम वेदर का मैसिव ट्रेलर आ गया है। 1:30 बजे से सारा काम का छोड़ के इस ट्रेलर का वेट कर रहे थे, और ट्रेलर देखने के बाद दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। इस ट्रेलर के ऊपर साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि ये ट्रेलर बिल्कुल ये है असली एक मास ट्रेलर। जनरली हम सब रीमेक के लिए इतना एक्साइटेड नहीं होते हैं, और आजकल तो बॉलीवुड के डाउनफॉल के लिए कोई सबसे बड़ा रीजन है तो वो है उसका कॉन्टिन्यूस रीमेक मूवी बनाना। लेकिन जब भी ऋतिक रोशन कोई रीमेक बनाने का डिसीजन लेते हैं, हमारे मन में एक डबल थॉट आता है कि नहीं यार, अगर ऋतिक रोशन रीमेक बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो डिफरेंट, कुछ न कुछ अलग जरूर होगा। जिसका एग्जांपल हमने ऋतिक की अग्निपथ में देख लिया था। ऋतिक ने अपनी एक्टिंग स्किल से अग्निपथ को सुपर हिट बना दिया। और मैंने पहले भी कहा है और मैं आज भी कहता हूँ कि ऋतिक की अग्निपथ अमिताभ बच्चन सर की अग्निपथ से बेहतर है। तो आओ यार, अब बात कर लेते हैं फिल्म के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेलर के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो वन एंड ओनली जो मुझे नेगेटिव पॉइंट दिखा वो था सैफ अली खान की टोन या फिर एक्सेंट कह लो आप। पता नहीं ये चीज सिर्फ मुझे लग रही है या आप सबने भी नोटिस किया कि सैफ अली खान की आवाज जो है वो थोड़ी सी मुझे पतली लग रही है, थोड़ी सी एक लेवल कम लग रही है। जनरली जब आप सैफ की आवाज सुनते हो बाजार में या फिर लाल कप्तान में या तांडव में या तानाजी में, तो सैफ की आवाज थोड़ी बेसी है, थोड़ी भारी आवाज है। लेकिन ट्रेलर में ये आवाज थोड़ी पतली लग रही है, ऐसा लग रहा है सैफ अली खान को जुकाम टाइप का है। मे बी हो सकता है कि ये थोड़ी एक्सेंट की दिक्कत हो, कि पर्टिकुलरली इस सीन में जहां पे सैफ बोलते हैं कि सवाल सही गलत का नहीं है, तो वो जो सैफ सवाल वर्ड बोलते हैं ना, वो पता नहीं क्यों सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये बहुत छोटी चीज है बट पता नहीं क्यों मुझे पिनअप कर रही है। आई होप ये पूरी मूवी में नहीं हो। और अब बात कर लेते हैं फिल्म के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट है द ऋतिक रोशन। ऋतिक एक ऐसे एक्टर है जिनकी फिल्मों का वेट हर एज ग्रुप के लोग करते हैं, चाहे वो चिल्ड्रन हो चाहे वो एडल्ट हो। करेक्ट बोला कि नहीं? बिकॉज ही मेड कैरेक्टर्स। ऋतिक ने एक फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, मेंटली डिसेबल्ड पर्सन, एक थीफ, एक टीचर, एक किंग, एक आर्मी मैन, एक स्पाई, एक ब्लाइंड पर्सन, मतलब इतने कैरेक्टर्स, और हर कैरेक्टर्स एक दूसरे से अलग। आप ऋतिक के किसी भी कैरेक्टर को एक दूसरे से मैच नहीं कर सकती कि नहीं यार ये कैरेक्टर जो है वो उस कैरेक्टर से लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। और इसी लिस्ट में आप वेधा को भी जोड़ लीजिए। मैन ही लुक सो स्केरी, सो वायलेंट एंड सो ब्रूटल। और यार बंदा अपने साथ एक चार्म, एक ऑरा कैरी करता है। उन्होंने एक कैरेक्टर के अंदर कितने सारे लेयर्स डाल दिए हैं। जब वो चल के आते हैं तो एक स्टाइलिश वेधा लगते हैं, क्लोज अप शॉट में वो एक साइकोलॉजिकल वेधा लगते हैं, और एक्शन सीक्वेंस में वो एक ब्रूटल वेधा लगते हैं, एंड दैट इज हिज स्किल्स। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है BGM। मेकर्स भले ही आजकल रीमेक बना रहे हैं, लेकिन एक अच्छा काम जरूर कर रहे हैं कि ओरिजिनल मूवी का BGM ही रीमेक में रख रहे हैं। और वही एग्जैक्ट चीज इस फिल्म के साथ भी हो रही है। इसमें भी ओरिजिनल विक्रम वेदा का ही BGM रखा गया है, और यार क्या परफेक्टली फिट बैठा है वो BGM इस फिल्म में और ऋतिक के ऊपर। तुम सबको तो पता ही है कि ओरिजिनल विक्रम वेदा का BGM उस फिल्म की जान थी, और ये ऐसा BGM है ना कि जिसको आप 10 साल बाद भी सुनोगे ना तो वो उतने ही रिफ्रेशिंग और उतने ही एंगेजिंग लगेगा। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये BGM 5 साल पहले कोई मूवी आई थी उस मूवी का है, क्योंकि थिएटर से निकलने के बाद किसी सीन की अगर फील आपके मन में रह जाती है तो वो सिर्फ BGM की वजह से होती है। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है डिफरेंस। ट्रेलर को देखिए, ये साफ लग रहा है कि एटलीस्ट 40% चीजें जो हैं वो ओरिजिनल विक्रम वेदा से अलग होने वाली हैं, जैसे कि फाइटिंग सीक्वेंस और कुछ एलिमेंट, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेकर्स और एक्टर्स दोनों जानते हैं कि अलग तो करना पड़ेगा, क्योंकि कोई उनकी मूवी क्यों देखेगा। ओरिजिनल विक्रम वेदा तो यूट्यूब पे मौजूद है, जिसको देखना होगा वो वहां जाके देख लेगा। भाई जब तक कुछ अलग नहीं करोगे तो दूसरा आदमी क्यों इंटरेस्टेड होगा। और ये बात ऋतिक रोशन को भी पता है, इसीलिए उन्होंने अपने वेदा को ज्यादा वायलेंट, ज्यादा ब्रूटल, ज्यादा स्टाइलिश और अपने वेदा का एक्सेंट थोड़ा बदल दिया, जो कि अच्छा लग रहा है दिखने में। आई होप ये डिफरेंस जो है वो पूरी मूवी में हो, ना कि सिर्फ ट्रेलर्स। बहुत बार मेकर्स ऐसा करते हैं कि ट्रेलर में कुछ पार्ट दिखा देते हैं और बोलते हैं कि देखो भैया हमने मूवी में कुछ अलग किया है, और जैसे ही हम मूवी देखते हैं लगता है कि यार ये तो डिट्टो कॉपी है ओरिजिनल की। ये चीज एक फिल्म को डाउनग्रेड कर देती है। और चौथा पॉजिटिव पॉइंट है द डुओ मैजिक। यार बहुत समय बाद एक ऐसी मूवी आ रही है जहाँ पे दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर जो है वो बहुत बेहतरीन एक्टर्स निभा रहे हैं। और कास्टिंग इस फिल्म की USP होने वाली है, क्योंकि देखो यार रीमेक तो कोई भी बना लेगा, लेकिन आर माधवन और विजय सेतुपति सर के लेवल को मैच भी तो करना है ना। इसीलिए मेकर्स ने एकदम सही डिसीजन लिया है कि हम ऐसे हीरो को चुनते हैं जिसकी पॉपुलैरिटी मासेस में हो लेकिन वो बेहतरीन एक्टर्स भी हो। और ऋतिक और सैफ से बेहतरीन एक्टर्स इन रोल के लिए तो मुझे कोई नहीं समझ में आता। एक तरफ ऋतिक रोशन है जिन्होंने हमेशा अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है, चाहे वो गुजारिश हो, चाहे कोई मिल गया, चाहे Super 30 या चाहे काबिल। दूसरी तरफ है सैफ अली खान जिनकी लाइफ की सेकंड इनिंग चल रही है, जब से उन्होंने सैक्रेड गेम्स, तानाजी, तांडव और लाल कप्तान जैसी मूवीज की है,
उन्होंने गजब अपनी फैन फॉलोइंग इंक्रीज की है। लोग सैफ की एक्टिंग के दीवाने हो रहे हैं। बस पहली बार किसी रीमेक को लेके इतनी तगड़ी वाइब्स आ रही है। देखो सिंपल बात है, कुछ हो या ना हो लेकिन बवाल जरूर होगा, और बवाल उसी सीन से होगा जब ऋतिक की एंट्री होगी। भाई साहब थिएटर स्टेडियम में ना चेंज हो गए तो कहना, लोग चिल्ला चिल्ला के पागल हो जाएंगे। तो भाई लोग आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मैं हूँ रे और मिलता हूँ आपको ऑन द वे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, लव यू।